हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैं उठ गई हूँ 5:09 पर और मम्मी मुझे जगा के गए हैं। अलार्म अगर मैं भर के सोऊँ ना तो मैं साथ के साथ ही बंद करके दोबारा सो जाती हूँ। और फिलहाल मैंने लाइट ऑन कर दी है और यहीं बेड पर ही हूँ। थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती हूँ रूम में से और फिर मेडिसिन खानी है और उसके बाद हमें करनी है अपने घर की क्लीनिंग। आज झाड़ू पोछा जल्दी ही करवा के मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, आज करवा के चली जाऊँगी। और पीहू ने भी स्कूल नहीं जाना तो इसका डिनर वगैरह, सॉरी, इसका लंच वगैरह पैक नहीं करना मुझे। और फटाफट से झाड़ू पोछा करते, जब मैं वहाँ से आती थी ना विलेज से, तब भी मैं अपना झाड़ू पोछा खुद ही करके आती थी। वहाँ पर हेल्प कर देते हैं हस्बैंड, यहाँ पर मैंने और मम्मी ने मिलकर फटाफट से 6 बजे तक कर दिया था। उसके बाद मम्मी ने बाहर का वॉश किया और मैंने थोड़ा सा हेल्प किया था बाहर के, मैं वाइपर लगा दिया था क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम हो गया था 6:30 तक। फिर मैं अपना रेडी होने लग गई थी। एंड बस यहाँ पर मैंने मम्मी की हेल्प करवाना कर दिया है बंद। अब मैं आ गई हूँ अंदर और नहाने के बाद रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर मेरी बन रही है चाय, चाय मैं पीकर भी जाऊँगी और थोड़ी सी लेकर भी जाती हूँ क्योंकि फिर ना खाली एनर्जी तो चाहिए ही होती है। तो चाय के साथ कुछ अगर पेड़ा हो तो पेड़े ले जाती हूँ साथ में स्कूल में, या फिर अगर चलाई के लड्डू वगैरह हो या फिर पेठा वगैरह जो भी अवेलेबल हो व्रत में खाने वाली चीज़ वो लेकर चली जाती हूँ। एंड ये वीडियो है आफ्टरनून की, स्कूल से आकर 2:45 की बात है। मैं घर से निकल गई हूँ आंटी और को लेने के लिए, जहाँ पर मम्मी पहले रहती थी बूढ़े चुंगी, तो वहीं पर से ही मम्मी के फ्रेंड्स को लेने जा रही हूँ क्योंकि आज मम्मी ने वो करने हैं, सांझी के गीत गवाने हैं। तो उनको आते हैं आंटी और को अच्छे से, मम्मी भी गा लेते हैं वैसे तो, बट थोड़े बहुत है। और वो ये कि गेट टुगेदर भी हो जाएगा इसी बहाने, तो चलिए चलते हैं उनको लेने के लिए। और कोशिश करूँगी कि आपको भी थोड़ी सी झलकियाँ दिखा दूँ कीर्तन की। वैसे तो मैंने मम्मी के फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग की है सारी, बट जितनी हो सकेगी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और मैं पापा की कार लेकर जा रही हूँ और ये खड़ी रहती है क्योंकि ना फिर, और खड़ी खड़ी कई बार तो जाम सी भी हो जाती है, तो फिर यही है कि चलो मुझे जाना तो है ही, पापा की ले जाते हैं। और देखिए सबने अपनी अपनी जगह ले ली है। वैसे तो ये मतलब वो ये कि कीर्तन टाइप ही होता है, बट मैंने सबका फेस इधर ही करवा लिया था कि रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। अब कीर्तन का तो भोग मतलब कीर्तन हो गया ख़त्म, जो गीत गवाने थे। उसके बाद मैंने चाय बनाई, मैंने भी चाय नहीं पी थी स्कूल से आने के बाद, और इन सब के लिए भी बना ली थी इकट्ठे। पता नहीं कैसी चाय बनी होगी, वो तो पीने के बाद ही पता लगेगा। और बीच में फ़ोन भी आ रहे थे पेरेंट्स के, वो भी अटेंड किए, तो अब सबको सर्व कर देते हैं जल्दी से। अब चल रही हैं मम्मी की यहाँ पर बातें अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, इतने दिनों के बाद मिलते हैं तो देखिए बातें तो होगी ही होगी। और अब आ गया है घर
मतलब इनको ड्रॉप करके आने का टाइम मैं ही लेने गई थी आंटी और को, और अब ड्रॉप भी करके आ रही हूँ। तो चलिए अब देखना इनको ना, काफ़ी देर तक चलने का टाइम काफ़ी देर से कह रहे हैं सारे, लेकिन बातों में ना इतना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। एक घंटे पहले इन्होंने सबने कहा था कि छोड़ो टाइम हो गया है हमारा घर जाने का, बट एक घंटा इन्होंने बातें कर ली सबने, मम्मी ने भी आंटी और ने भी, अभी भी धीरे धीरे देखिए बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा ही होता है जब हमारे पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो टाइम कहाँ जाता है कैसे जाता है बिल्कुल पता नहीं लगता। एंड गाइज आज का हमारा व्लॉग भी बहुत छोटा सा ही बना है, क्योंकि जो भी मैंने किया है मेरा रूटीन जो भी रहा है मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। और जब मैं आंटी और को ड्रॉप करके आई उसके बाद आलू में ही टाइम लगता है, चावलों में तो टाइम नहीं लगता। मेरे सर में दर्द हो गया, ये देखो ये ना मेरा अंदर से बाहर आने का नाम नहीं ले रही, बातें नहीं खत्म नहीं हो रही, एडिटिंग कर रही हूँ। एंड पीहू और मैं यहाँ ना एक्टिवा पर बैठे हुए थे, मैं यही कह रही थी कि देखो हमें ना आंटी और की लेग्स नज़र आ रही है, जब वो मूव करेंगी तो इट मीन्स वो बाहर आ रही हैं। पीहू थोड़ी सी मजाक मस्ती चल रही थी मेरी और पीहू की, बस हम गए और इनको ड्रॉप। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब भी हम अपने किसी फ्रेंड्स को मिलते हैं, जब पुराने फ्रेंड्स होते हैं ना और जब मिलते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इतने दिनों के बाद मिले हैं। मम्मी तो मम्मी मुझे भी नहीं लगा आंटी और को मिलके कि हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, काफ़ी डेज के बाद मिली हूँ मैं तो, बट ऐसा ही लगता है क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता है, वहीं पर बिल्कुल ही बराबर, मतलब इनका आंटी का घर भी एक साइड में था, यहीं पर दूसरे आंटी भी बराबर में ही रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे फैमिली वाले रिलेशंस ही हैं इन सब के साथ। हम भी जाते हैं वहाँ पर तो लगता ही नहीं है कि हाँ बाहर से आए हैं, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। एंड आकर बस मैंने किया डिनर और अपने व्लॉग की एडिटिंग, और व्लॉग का एंड यहीं पर ही करते हैं। व्लॉग अच्छा होगा, लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर